अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि व सहाबी व बारिक व सल्लम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। नयाज 22 रजब कुंडे मोजज़ाओ नयाज हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम। आदाबो शरायते नयाज ये नजर दुआ के मुस्तजाब होने और मुराद की बरआवरी के लिए इंतहाई मुजर्रब है। नयाज 22 रजब कुंडे का एहतमाम तकरीबन तमाम घरों में किया जाता है। ये नजर दुआ के मुस्तजाब होने और मुराद की बरआवरी के लिए इंतहाई मुजर्रब है। अदाबो शरायते नयाज मोमिनीन को चाहिए के 22 रजबुल मुरज्जब बावक्ते सहरी जिसकी सुबह 22 रजब का दिन हो घर को साफ सुथरा करके पाक दरी या फर्श जो मुयसर हो बिछाएं, मकान में लोबान सुलगाएं, खुद को पाको पाकीजा करके खुशबू से मुअत्तर करें और एक पाक बर्तन में पानी लेकर सवा सेर मैदा में उसी कदर चीनी डालकर गूंद लें और उन सब की 14 पूरियां या टिकियां बनाकर घी में तलें। जब नयाज तैयार हो जाए तो वो मिट्टी के कोरे कुंडे जो के पाक पानी से धुले हों उनमें 7 पूड़ियां टिकियां रखें। नमाज़े सुबह के बाद 2 रकत नमाज़े हाजत पढ़ें, उसके बाद ये मोजज़ा जो यहाँ दर्ज है पढ़ें। बाद मोजज़ा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की नयाज इस तरह दें। अव्वल आखिर 3 मर्तबा दरूद, एक बार सूरह अलहम्द, 3 बार सूरह इखलास और हाथ उठाकर दुआ मांगें कि ये नयाज हदिया पेश करती हूँ बारगाहे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की खिदमत में और अपनी हाजत के लिए दुआ मांगें इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुराद पूरी होगी। इस नयाज को एक मुकाम पर सब मोमिनीन को बिठा कर खिलाएं। एहतराम नयाज को मलहूज़े खातिर रखा जाए।